हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीएस का आज आठवां क्लास देखेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल इंटीग्रेट परीक्षा सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न को रखा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो वीडियो पर आज तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? चार ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय, जो 1572-73 ईस्वी में गुजरात पर विजय किया था, और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। ठीक है, गुजरात विजय के बाद। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि फर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में कराया था। तो यहाँ पर दो मत हैं, लेकिन उसका निर्माण अकबर के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, बहादुर शाह फर्स्ट ने। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहाँ ने जो है 1649 ईस्वी में दिल्ली, जो शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, उसमें जो है एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। और इसी किले में, किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ट, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे जो है वही मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है शाहजहाँ के द्वारा जो है ऐसा करवाया गया था, ऐसा बनवाया गया था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये दल बदल से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। राजनीतिक दल बदल की राजनीति की गतिविधियों की गंभीर समस्या के बचने के लिए जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में प्रावधान किया गया था, और 91वीं संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में दल बदल के लिए 2/3 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। तो यहाँ से दो पॉइंट हैं, दल बदल के लिए 2/3 संख्या निर्धारित किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 91वें, ठीक है, 91वें। और दल बदल संबंधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 52वां, ठीक है, 52वां। तो यहाँ पे दो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, हिमालय की चोटियाँ हैं और राज्य है, कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है इसको आपको बताना है। तो नंगा देवी पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पे है? तो ए आपका है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ए में आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, नंगा पर्वत जो है जम्मू और कश्मीर में है। और नंदा देवी कहाँ पे है? तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, तो बी में आपका 3 हो जाएगा। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, तो आपका सी में इसमें आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 3, 2 किस में है? तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में है, 1, 3, 2। तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? भंडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में जो है कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना, पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क, एस्बेस्टस, ये सभी प्रमुख हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है? रक्तायतन, हृदय स्पंदन, हार्मोन उत्सर्जन या नाड़ी दर? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, रक्त आयतन में। ठीक है, रक्त आयतन में जो है मानव प्लीहा नियंत्रित रहता है। प्लीहा जो है रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिका को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएँ रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला आप लोग जानते होंगे बिहार राज्य की है। ठीक है, तो ये इसमें से जो है मिथिला कहाँ पे है? बिहार में है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मधुबनी कला बिहार के मिथिलांचल, जिसको मिथिला कहते हैं, इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित शैली है। इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक है और प्रायः इसमें जो है चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध चित्रकार अगर पूछ दे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध चित्रकार में आती हैं किसका किसका नाम? सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, गंगा देवी। तो ये चारों नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं। तो ये चारों नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, ये जो है मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में देखी जाती हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मिथिला, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो कहीं कहीं बिहार राज्य सीधे दे देता है, ठीक है, तो बिहार राज्य रहेगा तब तो सब लोग टिक कर देंगे। मिथिला को याद रखिएगा, मुख्य रूप से मिथिला में ये कार्यक्रम होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन जो है ये बनारस में स्थित है। बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। भारत कला भवन बनारस वाराणसी में स्थित है। यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्मभूषण से सम्मानित रामकृष्ण दास भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे और यह विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, हिंदू और बौद्ध मूर्तियों तथा पुरातात्विक महत्व के अन्य सामग्रियों को संग्रह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन, इसकी स्थापना 1920 में, इसके संस्थापक जो है रामकृष्ण दास, ये बनारसी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन पॉइंट हैं यहाँ पे याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने, बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे और यह पुस्तक महात्मा गांधी 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज़ पर लिखी थी। यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, REXIT रीएग्जिट क्या है? तो ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके राजस्व लेखपाल की परीक्षा में, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये रीएग्जिट जो है, रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना, यही कहलाया क्या हो? रीएग्जिट। तो यहाँ पे आपका ए आला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। रीएग्जिट जो है, रघुराम राजन का भारतीय रिजर्व बैंक से हटाने को मीडिया द्वारा दिया गया एक शब्द है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर जो है बी रीएग्जिट शब्द का प्रयोग किया गया। संभवतः रीएग्जिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने का प्रयोग में लाया गया था। तो महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है 2015 के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या होता है, ये पूछा था। तो क्या होता है? देश में लोगों का संचालन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचालन, देशों के बीच लोगों का संचालन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन। तो क्या होता है माइग्रेशन? तो यहाँ पे देख सकते हैं, किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देशों के बीच में लोगों का संचालन जो होता है वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देशों के बीच, दो देशों के बीच, देश में लोगों के बीच का संचालन नहीं होगा, देशों के बीच लोगों का जो संचालन होगा वही माइग्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।